नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले में गिरावट देखने को मिली है। पॉजिटिविटी रेट जो है लगातार घट रही है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो अभी भी 3000 के आसपास बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 24 घंटे में पूरे देश से 70,421 नए मामले कोरोना के आए हैं सामने, जो पिछले 72 दिनों में सबसे कम मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 3,921 लोगों की पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा वायरस के चलते मौत हुई है, हम आपको बता दें। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि जो 70,421 नए मामले सामने आए हैं उसका 80% मामला केवल 6 राज्यों से निकल के सामने आया है। अगर बात करें 54,606 मामले इन 6 राज्यों से निकल के सामने आए हैं, ये पूरे आंकड़े के 80% मामले हैं। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राहत की ये बंगाल है। और राहत की बात ये है कि देश में कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं। तो ये जो 6 राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 6 राज्यों में मिला दें तो 54,606 केस आए हैं। और पूरे आंकड़े की बात करें 24 घंटे में तो 70,421 मामले निकल के सामने आए हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो अभी भी लगातार 4,000 और 3,000 के आसपास ही बना हुआ है। 39 से 21 मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। इसी वजह से सरकार लगातार लोगों को अभी भी सचेत कर रही है कि कोरोना वायरस को लेकर के आप पूरी तरीके से सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। तो कुछ आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन कोरोना वायरस से जिस तरीके से मौत के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो अभी चिंता की बात है। और इसको लेकर के लगातार समाजसेवी संस्थाएँ भी आगे आ रही हैं और लगातार अनेकों कार्यक्रम चला के कोरोना से बचाव के जो नियम है, सरकार की जो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है उसके बारे में लोगों को बता रही है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस का मामला लगातार देश में कम हो रहा है उसको लेकर के राहत की बात यह है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों की आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रख के सरकार जो है अनलॉक की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। अगर अब देश में एक्टिव केस की बात करें तो पूरे देश में जो एक्टिव केस 20 लाख के ऊपर रहा करते थे, अब एक्टिव केस पूरे देश में 10 लाख से भी नीचे आ गए हैं। पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या पर अगर नज़र डालें तो पूरे देश में एक्टिव केस 9 लाख के आसपास आ गए हैं। 9,72,000 के आसपास कोरोना के टोटल एक्टिव केस हैं जिनका इलाज या तो देश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है या वो होम आइसोलेशन के दौरान उनका कोविड का इलाज चल रहा है। अब पूरे आंकड़े पर अगर नज़र डालें तो अब तक पूरे देश में 2,95,00,000 लोग लगभग कोविड पॉजिटिव हुए थे, जिसमें से 2,81,00,000 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब कुल मौत की संख्या पर अगर नज़र डालें तो 3,74,000 लगभग लोगों की मौत हो चुकी है इस जानलेवा वायरस के चलते। जो जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी जताई गई है, एक आशंका जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और ये तीसरी लहर आती है अगर तो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक साबित होगी। तो लगातार सरकार जिस तरीके से अपील कर रही है, हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं और अपील करते हैं कि अगर आप कोरोना काल के दौरान कोरोना के कम होते मामलों के बीच आप घर में से बाहर निकले हैं तो बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकले, अगर बाहर निकलते भी हैं तो सरकार के जो प्रोटोकॉल्स और जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे।